रहनुमा पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो कहते हैं, मुल्क कौम के बका के लिए हम हुकूमत के साथ हैं मगर आवाम से महंगाई का बोझ भी उतारें, आसानियां पैदा करें। उनकी जानिब से मजीद ये कहा गया। मरकजी सेक्रेटरी इतलात पीपल्स पार्टी मौला बख्श चांडियो की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, अजीजुर रहमान चंद और सैयद हसन मुर्तजा समेत दीगर की शिरकत। मौला बख्श चांडियो का हुकूमत को मुखातिब करके कहना था कि अपोजिशन ने जो हाथ बढ़ाया इससे फायदा लें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें। मियां साहिब के वुजरा भी बड़ा कहते थे उसको पकड़ेंगे, मगर खुद सब पकड़े गए। जो अपोजिशन ने वतन परस्ती का सबूत देकर आपके साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, प्यार का हाथ बढ़ाया है, एक बेहतर तरीका का, इससे फ़ायदा लें। अभी आप बोहरान में इसलिए आप चुप हैं, वरना सब के सब शुरू हो जाते, वो गिरफ्तार होगा वो, कोई बात नहीं जनाब, कोई बात नहीं, ये तो रास्ता है। मियां साहब के बुजुर्ग भी बड़े बोलते थे, ओ उन्हानू पकड़ांगे, उन्हानू फड़ांगे, उन्हानू फड़ांगे। आज क्या हालत है? रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि स्पीकर सिंध कहां भागा जा रहा था, सिंध में पकड़ लेते। कोई मुहज्जिब मुल्क और कारकुन एहतसाब से इनकार नहीं करता। स्पीकर सिंध असेंबली जो पाकिस्तान की बानी असेंबली है, वो कोई भागा जा रहा था? पकड़ना था तो कराची में पकड़ लेते, सिंध के स्पीकर को सिंध में पकड़ लेते। मौला बख्श चांडियो का मजीद कहना था, हमारे दौर में खवातीन और बच्चों के लिए भी कानून साजी की गई। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज।